सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। सो डियर स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि हमारा सेल बायोलॉजी का की सीरीज जो है कंटिन्यू जा रही है। इसमें हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पीछे पढ़ी, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया कंपोनेंट्स में, सेल के कंपोनेंट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल वॉल पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह ये जो भी हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, ये मेम्ब्रेन बोन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं और ये पाए जाते हैं हमारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, दे आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हैं, इनमें ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। सो सबसे पहले अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कोलिकर ने इन 1880 में। ये साल 1880 था जब कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को मसल सेल्स के अंदर डिस्कवर किया था। सो दिस ऑर्गेनली वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1880 इन मसल सेल्स। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखेंगे इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया था। सो द नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा। बेंडा एक और बायोलॉजिस्ट थे जिनने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। अब अगर इसकी ऑकरेंस की बात करें, ऑकरेंस हियर मींस कि इन विच ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड, सो दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। सारे के सारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, दे आर एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो भी मेम्ब्रेन बोन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं किन से, प्रोकैरियोटिक सेल से। सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी एंड ऑकरेंस। और इसका नाम, इसकी टर्म जो है किसने कॉइन की थी सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको, इसकी टर्म को कॉइन किया था बेंडा ने। बेंडा वाज द बायोलॉजिस्ट हु नेम्ड इट एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो इसके बाद हम इसकी अगर डायग्राम की बात करें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक चैम्बर लाइक बनता है, उसको बोलते हैं हम आउटर चैम्बर। ये वाला जो ये वाला पोर्शन यहाँ से जा रहा है, दिस इज कॉल्ड आउटर चैम्बर। ठीक है, और जो ये मेम्ब्रेन है ये अंदर से इन्वेजिनेटेड है। इन्वेजिनेटेड मीन्स ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन ये, और इनर मेम्ब्रेन बहुत सारी जगहों पे इस तरह से इन्वेजिनेशंस बना रही है। दिस इन्वेजिनेशन इज कॉल्ड एज क्रिस्टे, इनको क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, वन इज क्रिस्टा एंड प्लूरल मीन्स क्रिस्टे। तो क्रिस्टे ये अंदर के लिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही है इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है दिस इज क्रिस्टे। ठीक है, और क्रिस्टे के अंदर वाली वॉल्स के पास रॉड लाइक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉब समझते हैं आप, नॉब मींस आगे से उसका जो हेड वो राउंडेड सा होता है, लाइक दिस इज नॉब लाइक स्ट्रक्चर। दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स। ये आगे केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बाद इसमें इसके जो अंदर वाला ये वाला पोर्शन आता है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, इनर चैम्बर कहेंगे। और इनर चैम्बर के अंदर जितनी भी सेल, और सॉरी, इसमें ऑर्गेनली के अंदर जैसे कि ये डीएनए आ गया, इसमें राइबोसोम्स आ गए, मैट्रिक्स आ गया, ये वाली चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, सो इसके बाद अगर स्ट्रक्चर के बाद इसकी बात करें तो इसके फंक्शंस,
So functions of mitochondria includes, it is a minute or miniature biochemical factory where food is oxidized and energy is released, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में क्या करता है, ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहेंगे हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज दिस जनरेट्स द एनर्जी, दिस जनरेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इनसाइड द सेल। इसके बाद आता है सिंथेसिस इन मैनी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है, बायोकेमिकल्स को सिक्रीट करता है सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स, इसमें अमाइनो एसिड्स भी सिक्रीशन होती है इसकी, जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें राइबोसोम अपना होता है, राइबोसोम के बाद इसमें अपना जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है, इस राइबोसोम की वजह से इसको क्या कहेंगे हम, किसमें इन्वॉल्व होता है ये, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी। सेल्फ डुप्लीकेशन, सेल्फ डुप्लीकेशन का मतलब होता है ये खुद ब खुद डिवाइड करता है, खुद ब खुद कैसे डिवाइड करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, इसमें अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, आर यू गेटिंग, राइबोसोम और डीएनए, इस डीएनए की वजह से इसको सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल कहेंगे। सेल्फ डुप्लीकेटिंग मीन्स खुद से ही डिवीजन करता है अपनी, ठीक है, और इस वजह से इसको एक पर्टिकुलर नाम पड़ा है, उसका नाम है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहेंगे इसको, और इस डीएनए की वजह से ये खुद ब खुद एक से दो, दो से चार, यानी सेल के अंदर जिस प्रकार का फंक्शन, यानी जिस किस्म का फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटीज़ में सेल इन्वॉल्व हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, और डीएनए की वजह से क्या है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, और राइबोसोम्स की वजह से इसको क्या कहेंगे हम, यानी कि प्रोटीन्स के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम प्लास्टिड्स कहेंगे। सो देखते रहिए और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, कमेंट भी करना। थैंक यू।